जय हिंद एवरीवन। भाई काफ़ी दिनों बाद एससी सेंटर साउथ 280C के तरफ से इंडियन आर्मी ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है, और ये भर्ती सिंपल 10 पास से है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरकर भर्ती देखने जा सकते हो। और इस नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा नहीं दिया है कि ये भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए है, 8 साल के लिए, कहीं भी ऐसा नहीं दिया है। तो ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो लोग इसमें फॉर्म भरकर भर्ती देखने जाना चाहते हैं। भर्ती में हाइट भी नहीं मांगा है, बस एक फायरमैन का है तो उसमें हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा है, और सीना 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल मांगा है, और 5 सेंटीमीटर फुलाकर 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, और 50 किलो वजन मांगा है, और बाकी किसी में हाइट नहीं मांगा है, ठीक है ना। तो आप लोगों के ऊपर है। वैसे यार जो भाई अच्छे से फॉर्म भरेगा ना उसका एडमिट कार्ड 100% आएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का जितना भी सेंटर है ना वहाँ से हर साल मतलब ऑफलाइन भर्ती निकाली जाती है। और ऑफलाइन भर्ती कैसी होती है, जिनका सिलेक्शन हो गया रहता है उनसे पूछना। वैसे आप लोगों के ऊपर है, जितने लोगों को इसमें फॉर्म भरना होगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, सब कुछ समझ आ जाएगा। सी सेंटर साउथ 280C में जो इंडियन आर्मी की 458 वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी बातें आप लोग को इसी वीडियो में पता चल जाएगा। जितने लोगों को इसमें फॉर्म भरना होगा ना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को फॉर्म भी भेज दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका ऑफलाइन फॉर्म कितने तारीख से कितने तारीख तक भरा जाएगा। तो देखो 25/6/2022 से इसका फॉर्म भराना चालू हो गया है, और लास्ट डेट 15/7/2022 तक है। तो ये डेट आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑनलाइन भर्ती नहीं है, ऑफलाइन भर्ती है। आपको फॉर्म भरकर भेजने में टाइम लगेगा, इसलिए डेट याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितना मांगा है। तो सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल तक एज मांगा है, और फार अदर पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक मांगा है। तो जैसे दूसरा कौन कौन सा पोस्ट है वो अभी मैं आप लोग को नीचे बता दे रहा हूँ। और इसमें एज में छूट भी मिलेगा, ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, और एससी एसटी वालों को 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि एससी सेंटर साउथ 280C में जैसे किस में कितना वैकेंसी है। तो जैसे कुक वाले में देखो टोटल पूरे भारत के लिए 16 वैकेंसी दिया है, तो इसी 16 में ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 9 वैकेंसी है, एसटी के लिए 6 वैकेंसी है, और एससी के लिए 1 भी नहीं है, यूआर के लिए 1 भी नहीं है। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अगर आपके जैसे आपकी जो कैटेगरी आती है उसमें वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे कैटेगरी में जैसे इसमें भी भर सकते हो, तो इसको भी ध्यान में रखना। अब इसको आप लोग देख लेना, इसके स्क्रीन शॉट ले लेना, क्योंकि अगर मैं बारीकी से बताने लगूंगा ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही मैं आप लोग को बताऊंगा। टोटल मिलाकर इसमें 209 वैकेंसी है, और ये वाला जो दिया है एससी सेंटर नॉर्थ वाले में, तो इसमें भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना। देखो जैसे स्टेशन ऑफिसर का है इसमें सिर्फ 1 ही वैकेंसी है, लेकिन वही फायरमैन का है तो इसमें पूरे भारत के लिए 59 वैकेंसी है, और किसमें कितना वैकेंसी है वो भी यहाँ पर दे दिया है। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे ना तो इसी को देखकर भरना पड़ेगा। आप किसमें भर रहे हो ये अगर जानते रहोगे तब आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल कितना है। देखो इसमें टोटल 249 वैकेंसी है, और नीचे जैसे किसमें कितना पास मांगा है वो दिया है, तो वो भी आप लोग देख लो। अगर आप टीन स्मिथ में भर रहे हो ना तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, और अगर आप ईबीआर में भर रहे हो तो इसमें भी 10 पास मांगा है। और ये जो कुछ भी मांगा है इसको एक बार अच्छे से देख लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है ना। वैसे इसका फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम पर सर्च करोगे ना तो मेरा वो वाला चैनल आ जाएगा, वहां से आप लोग उसमें जुड़ जाओगे ना। तो कोई भी ऑफलाइन भर्ती निकलती रहेगी तो उसमें मैं बताता रहूंगा, उसमें फॉर्म भी भेज दूंगा, इसलिए वहां पर भेज दूंगा, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये बार बार वाला है तो इसमें भी 10 पास मांगा है, 10 पास के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कैंप गार्ड का, तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा है, और नीचे एएमटीएस माली गार्डनर का दिया है, तो इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, ठीक है ना। और नीचे ये वाला जो दिया है एएमटीएस मैसेंजर, तो देखो इसमें जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, 10 पास के साथ साथ मतलब इसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो इसको भी देख लेना। बाकी मतलब इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है ना। देखो इसमें भी एएमटीएस चौकीदार वाले में भी 10 पास मांगा है। अब बात कर लेते हैं जैसे देखो इसका अच्छे से आप लोग देखते जाना, अगर मैं बारीकी से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा भाई, इसलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लोगे तो सही रहेगा। देखो यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन में हाइट भी मांग लिया है, बिना जूता पहने हुए
165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और आपका 81.5 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए नॉर्मल और 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए और 50 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि इस फार्म को भरने के बाद भेजना कहाँ है, क्योंकि इसी में बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं, तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना। देखो ये जितना भी ट्रेड दिया है, यहाँ देखो यहाँ फार कुक से लेकर और यहाँ रेनो ऑपरेटर तक जितना भी दिया है ना, तो आपको इस वाले एड्रेस पर भेजना है, ठीक है ना। ये जो दिया है 280C वाले पर भेजना है और नीचे ये वाला जो दिया है, जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, हाँ देखो यहाँ स्टेशन ऑफिसर से लेकर और CMD तक जितना भी वैकेंसी दिया है ना, इसमें 180C वाले एड्रेस पर भेजना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख लेना, ले लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। ये रहा इसका ऑफलाइन फार्म, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, वहाँ से सभी लोगों को ये फार्म आसानी से मिल जाएगा। देखो जितने भाइयों को इसमें फार्म भरना होगा, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा वेट करना, जैसे मैं अपना फार्म भरूंगा ना तो मैं जैसे पूरा फार्म भी भर दूंगा और किस तरह से पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर स्पीड पोस्ट कराना है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लाइव दिखा दूंगा, ठीक है ना। वैसे यार इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भरना रहता है, जैसे अपना नाम भरना रहता है और किस में अप्लाई कर रहे हो वो भरना रहता है, अपने पिताजी का नाम भरना रहता है, अपने माता जी का नाम भरना रहता है और अपना जैसे स्टेट भरना रहता है, अपना एड्रेस भरना रहता है, वही सारी चीज़ें इसमें भरना रहता है। और भरने के बाद जैसे इसमें दो लिफाफा लगता है, ऑनलाइन फार्म जब कोई भरते हैं तो बस अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर दुकान पर दे देते हैं, ऑनलाइन हो जाता है, और ऑफलाइन फार्म जब कोई भरते हैं ना तो दो लिफाफा लगता है और ये लिफाफा जैसे किसी भी बुक सेंटर पर मिल जाएगा, जैसे दो लिफाफा में एक लिफाफा में आपका पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा और ये वाला जब फार्म भर लोगे तो ये फार्म रहेगा और इसी लिफाफे में आपका अपना एड्रेस भी रहेगा और जहाँ पर भेजना है ये फार्म उसका एड्रेस भी रहेगा। इतना सब कुछ करने के बाद 25 रुपये का आपका इसी में टिकट भी लगाना है इस वाले फार्म में, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद छोटे वाले लिफाफे में सब कुछ करने के बाद ये छोटा वाला लिफाफा बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है और बड़े वाले लिफाफे के ऊपर आपको जैसे जहाँ पर ये फार्म भेजना है वहाँ का एड्रेस लिख देना है और अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाना है, पोस्टमैन को बोल देना है कि इसको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है ना। वो स्पीड पोस्ट कर देगा, फिर जब आपका स्पीड पोस्ट हो जाएगा तो कुछ दिन बाद उसी सेंटर से जिस सेंटर पर ये भर्ती निकली हुई है उसी सेंटर से ये वाला एडमिट कार्ड आएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसी में एडमिट कार्ड भी दे दिया है, तो ये वाला एडमिट कार्ड आएगा और इसी एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर भी लिखा रहेगा, जैसे सब कुछ इसमें लिखा रहेगा कि आपका चाहे दौड़ हो चाहे पेपर हो, मतलब कहाँ पर होने वाला है, कितने तारीख को होने वाला है, कितने बजे से होने वाला है, सारा का सारा डिटेल्स इसमें दे देगा, तो कन्फ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। मैं आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ, वैसे मैं भी इसमें फार्म भरूंगा। जिस भाई को इसमें फार्म भरना होगा और उसको कुछ भी नहीं समझ आया होगा ना, तो थोड़ा इंतजार करना, जिस दिन मैं अपना फार्म भरूंगा और मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं तो हो सकता है वो लोग भी इसमें फार्म भरेंगे, क्योंकि इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 458 वैकेंसी है। तो जब हम लोग अपना फार्म भरेंगे, फार्म भरने के बाद पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर जैसे किस तरह से स्पीड पोस्ट कराना है, किस तरह से टिकट लगाना है और कहाँ पर भेजना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में बता दूंगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी तो जैसे 15 तारीख तक डेट है, तो जिन लोगों को नहीं समझ आया होगा वो लोग इंतजार करना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, वैसे जितना भी सेंटर है ना, हर एक सेंटर से हमेशा ऑफलाइन भर्ती निकलती रहती है, जो भाई अच्छे से फार्म भरता है वो भर्ती देखने जाता है, जो भाई थोड़ा सा भी मिस्टेक करता है उसका फार्म रिजेक्ट हो जाता है, उसका कॉलिंग लेटर नहीं आता है। बहुत सारे भाई ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई मेरा तो कभी कॉलिंग लेटर ही नहीं आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं रहती है भाई, आप अच्छे से फार्म भरोगे तो आपका कॉलिंग लेटर भी आएगा, भर्ती देखने भी जाओगे और आप अपना सिलेक्शन भी ले लोगे, ठीक है ना। वैसे किसी में भी हाइट नहीं मांगा है, जो फायरमैन का है सिर्फ उसी में 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा है और सीना आपका नॉर्मल 81 सेंटीमीटर मांगा है और फुलाकर जैसे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर और 50 किलो वजन होना चाहिए और बाकी किसी में तो जैसे कुछ नहीं मांगा है। चलो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।